मेरे व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दुल रफीक, देखते हैं अब्दुल गेमिंग अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉ का पूरा प्रीव्यू के बारे में, क्या रिजल्ट्स हैं और फिर ब्रेव वाइल्ड टीज के लिए अपने रिटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉ के मेन इवेंट से। स्टार्ट करेंगे एज वर्सेज डेमियन प्रीस्ट का मैच हुआ, धमाकेदार मैच था। एज का होम ग्राउंड था ऑब्वियसली, तो एज को ही जीतना था। एज जीत के बट फिनिक्स भी आई, मगर सबसे मेन थिंग वो था ऑफ एयर के बाद एज ने बोला अगले साल अगस्त मेरा रिटायरमेंट मैच हो जाएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? मैं तो बड़ा सैड हूँ दोस्तों, मुझे लग रहा था एक ना एक दिन ख़त्म। एज को 3 साल हो गए रिटर्न होते हुए, 2020 के रॉयल रंबल में वो आए थे। मैं हैरान हूँ इतनी सी उम्र में इतना कुछ, रोमन से भी लड़ चुके हैं वो, तो मैं तो कहता हूँ दे डिज़र्व। मैं मुझे लग रहा है वो फाइनल रिटायरमेंट मैच होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रॉ के प्रीव्यू के। हमारा नेक्स्ट प्रीव्यू है डेक्स्टर लूमिस को लेकर। अब एज स्टाइल्स का मैच हुआ और ऑब्वियसली एज स्टाइल्स के हर मैच में डेक्स्टर लूमिस आ रहे हैं, और डेक्स्टर लूमिस ने मतलब एक तरह से एज स्टाइल्स को भी पकड़ा, एज स्टाइल्स को छोड़ दिया, एज स्टाइल्स का ध्यान भटका। मिस थे बैरिकेड में और डेक्स्टर लूमिस ने उनके गर्दन पकड़ के उनको घसीटने लगे, और ये पिक्चर आप देख सकते हैं डेक्स्टर लूमिस ने उनका गला पकड़ा हुआ। मिस को एक तरह से उन्होंने किडनैप कर लिया और पीछे तक लेके जा रहे थे, लेके जाते जा रहे थे। तो मैं तो बड़ा शौक हूँ, मुझे लग रहा है ये डेक्स्टर लूमिस अभी इस तरह कुछ हफ्ते जाएंगे, उनका मैच होना चाहिए एजे स्टाइल्स के ख़िलाफ़, मगर कैरेक्टर सूट करना हो, देखते हैं इनका मैच होता है। मैं तो चाहती हूँ उनका मैच हो एटलीस्ट क्लैश एट द कैसल के अंदर, तो यस मैं चाहता हूँ उनका मैच हो। हमारे सेकंड लास्ट अपडेट जॉनी गार्गानो को लेकर है। जॉनी गार्गानो ने रिटर्न कर लिया अपना, ऐसा मतलब एक नो अपडेट, जीरो मतलब अपडेट ही नहीं थी, जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ नो वेयर रिटर्न, लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट यानी वो ही हुआ, यानी जॉनी गार्गानो ने रिटर्न किया और मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ जॉनी गार्गानो को देखकर, मतलब जॉनी गार्गानो उनका सेगमेंट भी हुआ, पूरा प्रोमो कट किया उन्होंने, फिर थ्योरी आया, थ्योरी को हाई फाइव के लिए बोला, फिर हाई फाइव जब देने, नहीं मुझे पता था नहीं देने वाले थे, और सुपर किक लगा दिया फेस पर, और इसी तरह जॉनी गार्गानो का सेगमेंट एंड हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलते हैं अपनी लास्ट फीड के रिटर्न को लेकर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, एक फ़ैन है वो पूछता है, वो लिखता है लुक व्हाट हैपेंस व्हेन यू रोटेट विंडहम, रेसिंग इज़ नॉट अ लव स्टोरी, यू गेट 3 magic letters। और मैंने भी इसको देखा है, तो आप अगर क्लियरली इसको देख लें तो देखें WWE बनता है। अभी मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ है, ये एक और पैराग्राफ, और फिर एक छोटा सा पैराग्राफ, जो W बनाता है। अगला भी ऐसा है, E भी ऐसा ही है, E भी बन रहा है। तो ये एक टीज है, और ब्रे वायट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ब्रे वायट ने इस चीज़ को खुद लाइक किया है अपने पेज के ऊपर, और WWE ने इस लाइक को टैग भी कर दिया है। अब मुझे तो लग रहा है फील का रिटर्न हो गया भाई, ख़त्म हो गया रिटर्न। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब हो ऐसे, मतलब फीड का रिटर्न कौन नहीं देखना चाहता है? आप लोग कमेंट करें यार, आप लोगों को देखना फीड का रिटर्न या नहीं, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा।